I'm still healing. हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ ऐश्वर्या और मैं आप लोगों के लिए हेल्थ, ब्यूटी एंड न्यूट्रिशन के अलग अलग वीडियोस लाते रहती हूँ। सो गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं, तो आज का वीडियो आपको थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा। तो आज के इस वीडियो में लॉरियल पेरिस का जो हेयर स्पा है वो हम ट्राई करने वाले हैं। इसका रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने देखिए ये कभी ट्राई नहीं किया, तो आई जस्ट विश कि ये अच्छे से हो। मैं तो वैसे तो मैंने पहले ही बना लिया है वो जो वीडियो था, बता रही हूँ मैं। इसका रिजल्ट भी मैं आपको लास्ट में एंडिंग में बता दूंगी कि मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो कैसा लगा। और आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने सारी प्रोसेस बता दी कि आपको कैसा करना है, कैसे लगाना है, क्या क्या स्टेप्स है। तो ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में शेयर करी है, देन तो लास्ट तक ज़रूर देखना है वीडियो। तो सबसे पहले तो मैंने अपने बालों को ना एक दो घंटे पहले ही ऑयलिंग करी थी, ऑयल लगाया था अपना नॉर्मल जो कोकोनट ऑयल था ना वो वाला। तो मैं कभी भी यही करती हूँ शैम्पू लगाने से पहले। तो या उसके बाद मैंने अपने बाल छोड़ दिए और उसके बाद ये देखो मेरी फैशन तो ख़त्म ही नहीं होती। तो अब मैंने क्या किया, शैम्पू जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा रही हूँ, बट लेकिन नॉर्मल जो प्लेन वाटर था ना उससे पानी, उस पानी से मैंने अपने बाल धो लिए। मैंने जो पानी यूज़ करा है वो है टेम्परेचर वाटर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर वाटर है ये, कोई गर्म पानी मैंने नहीं किया है, फिर बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। तो मैंने इसमें कॉइन साइज़ का अमाउंट में शैम्पू डाला। पहले मैंने जो मग में थोड़ा सा पानी भी ले लिया था, क्योंकि इसे ही शैम्पू हम स्काल्प पे नहीं लगा सकते, पहले आपको पानी में से डाइल्यूट करना होता है। तो मैंने बस वही चीज़ की, अपने बालों पे वो अप्लाई कर दिया एंड अच्छे से मसाज कर दी, क्योंकि मैंने ऑयल लगाया था ना तो थोड़ी सी धूल जो होती है वो अपने बालों में लग जाती है। तो इसलिए अच्छे से आप मसाज करते हुए उसे क्लीन कर दीजिए। उसे ऑलमोस्ट आप 5 मिनट्स तक उसे क्लीन करने में टाइम आप कर सकते हो, एंड अच्छे से मसाज कर देना है। उसके बाद भी मैंने शैम्पू और थोड़ा सा ले लिया था एंड या तो अब बारी आती है कंडीशनर की। तो मैंने बस उसी कंपनी का या फिर उसी ब्रांड का कंडीशनर यूज़ करा था, लॉरियल पेरिस का, जो स्पा में किट में आता है। तो या ये डीप मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर है, आप उसे हेयर वॉश करने के बाद यूज़ कर सकते हो। तो मैंने वही किया था, हेयर वॉश अच्छे से कर लिया था एंड उसके बाद में कंडीशनर अप्लाई कर रही हूँ। एंड इसे बड़ी अच्छे से आपको मसाज कर देना है, स्कैल्प पर नहीं लगाना, वो मेरी गलती से लग गया था बस। तो ऐसे इंटेंशनली मैंने नहीं लगाया था अपने स्कैल्प पे, तो आप बस आपको इसे लेंथ पे अप्लाई कर देना है अच्छे से, ताकि आपकी जो लेंथ है बालों की वो अच्छे से मॉइस्चर हो जाए, इसमें अच्छे से मॉइस्चराइज वो हो जाए, एकदम ड्राई ड्राई जो हेयर्स लगते हैं ना वो ना लगे। तो इसलिए आपको बस इसे लगाना है। और इसे 15 मिनट्स तक या फिर 20 मिनट्स तक इसे लगा लिया था और मैं नहाने चली गई थी, और उस 10 से 20 मिनट में मैंने अच्छे सी बात ले ली एंड उसके बाद अपने जो हेयर्स थे वो अच्छे से टाई अप करके बाद में वॉश कर लिए, एज यू कैन सी। तो अब हो गई, मैं बात करके आ गई हूँ एंड अब टाइम आता है हेयर्स को सुखाने का। तो इट्स वेरी इजी, जो हम नॉर्मली करते हैं वही हमें करना है, अच्छे से बालों को सुखा देना है एंड बस ऐसे रख देना है, छोड़ देना है। जब बाल हाफ ड्राई हो जाए, 50% तक गीले हो और 50% सूख जाए, उस टाइम पे आपको अप्लाई करना है मास्क जो है लॉरियल पेरिस का, अगेन जड़ ड्राई एंड फ्रिजी हेयर्स के लिए। बस आपको छोटे छोटे सेक्शंस लेके अप्लाई करना है आपके बालों पे एंड अच्छे से मसाज कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हो मैं बस वही कर रही हूँ, छोटे छोटे सेक्शन ले रही हूँ एंड अच्छे से मसाज कर रही हूँ। तो आपको भी वही करना है एंड उससे अगर आपके बाल ज़्यादा ही ड्राई हो चुके हैं ना, तो आपको पानी लगा के उसे फिर से मसाज करना होगा क्रीम लगा के। सो ये स्टेप होने के बाद ना आपको गर्म पानी में टी शर्ट डाल के आपको हेयर स्प्रे लगाना है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आपको आपके बाल जो है वो टाई अप कर देने हैं, जो मैंने कर दिया इधर
आप देख सकते हो। तो अब क्या करना है, हमें किचन में जाना है और पानी जो है वो गर्म करने रख देना है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने किया है वही चीज़। तो मैंने बड़ी बड़ा सा जो एक होता है ना, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, उसमें पानी डाला था और गर्म करने रख दिया था। आप देख सकते हो कि एक बड़ी टी शर्ट मैंने ले ली और इसे पानी में डिप कर दिया एंड अपने बालों पे लगा लिया। ऐसे मैंने एक दो बार किया था। ऐसे करने के बाद जो अपने मास्क लगाया था ना, वो पूरे बालों में अंदर तक चला जाता है। ऐसे आप 10 मिनट्स तक या फिर 5 मिनट्स तक रख सकते हो। मैंने बस 10 या फिर 15 मिनट तक दो बार ऐसा किया था और उसके बाद मैंने फिर से जो अपने बाल थे ना वो टाई अप कर दिए थे। एंड उसके बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ क्या हुआ 1 घंटे के बाद। सो एज़ यू कैन सी द रिज़ल्ट, मुझे मेरे बाल बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हैं ये हेयर स्पा करने के बाद। सो आप भी ज़रूर से ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका क्या रिज़ल्ट आया। सो गाइज, कैसा लगा आपको मेरा ये आज का वीडियो? सो मैंने ट्राई किया जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकती थी, मेरी भी ये फर्स्ट टाइम था, मैंने इसके पहले कभी हेयर स्पा ट्राई नहीं किया एट होम, वैसे बाहर भी नहीं किया। एक बार किया था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन या इस बार मुझे रिजल्ट्स अच्छे लगे तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हो, ऐसे आप करना चाहो आपको हेल्पफुल लगे तो, एंड सब्सक्राइब तो कर ही दोगे आप। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।